कॉमर्स रिलेट करता है ट्रेड से और ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज का लेन देन और समथिंग ऑफ वैल्यू या फिर कुछ वैल्यूएबल चीज़ों का बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच इन कंसीड्रेशन ऑफ मनीज़ वर्थ और उनका जो कंसीड्रेशन उनको मिलता है वो मनी की वर्थ में मिलता है वेलकम स्टूडेंट टू आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल दिस इज निशा पंर आई एम हेयर गोइंग टू टीच यू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वट इज अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है एंड वट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में कौन कौन से फीचर्स होते हैं एंड वाई वी नीड अकाउंटिंग और हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी नाउ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है तो बिज़नेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मनी की वर्थ में होते हैं और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड करने के मेथड को अकाउंटिंग कहा जाता है बेसिकली अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का कि आपने बिजनेस में कितना परचेज किया कितना आपने सेल किया कितने एक्सपेंसिज पे किए कितनी आपकी इनकम रिसीव हुई आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इन सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड अकाउंटिंग में रखा जाता है तो अकाउंटिंग को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसकी एक डेफिनेशन ले रहे हैं जो डेफिनेशन आपकी गिवन है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपकी है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्टली इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देअर ऑफ तो अकाउंटिंग क्या होता है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हुए उनको रिकॉर्ड करना उनको क्लासीफाई करना उनको समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स और उन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है जो आपकी मनी के टर्म्स में होते हैं या फिर विच आर इन पार्ट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर या फिर उनका कुछ पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ और उसके बाद उनका रिज़ल्ट इंटरप्रेट किया जाता है कि इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्लासीफाई और समराइज करने के बाद एक्चुअल में हमारे बिजनेस में प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है तो ये आपका मीनिंग है अकाउंटिंग का नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं तो फर्स्ट आपका पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस कि अकाउंटिंग आपकी आर्ट भी है साथ ही साथ साइंस भी है तो ये आर्ट और साइंस कैसे है तो आर्ट क्या होता है आर्ट होती है कोई भी एक्टिविटी जिसको आप बार 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 रिपीट करते जाओ बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको वो बहुत अच्छे से आ जाती है फॉर एग्जाम्पल डांस कुकिंग इनको आप जितना ज़्यादा करते हो आप इनके अंदर उतने ही ज़्यादा एक्सपर्टीज होते जाते हो सेम ऐसे ही अकाउंटिंग में भी होता है जितनी बार आप क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते रहोगे आप अकाउंटिंग करते रहोगे उतना ही आप अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज हो जाओगे और ये साइंस कैसे है जैसे साइंस में आपके सारे रूल्स रेगुलेशनस होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें प्रूव करनी होती हैं वैसे ही अकाउंटिंग को भी आप सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करके ही स्टार्ट करोगे और इसके जो रिकॉर्ड्स आप रखोगे वो सब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही रखने होते हैं उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली यहाँ पे आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लेने हैं जो आपके फाइनेंशियल करेक्टर के हों जस्ट सपोज अगर आपके वर्कमैन में झगड़ा हो गया है तो उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे लेकिन अगर आपने कुछ परचेज किया कुछ सेल किया तो उनको आप अपने अकाउंटिंग में डालोगे उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी कि आपको वही ट्रांजेक्शन्स लेने हैं जिनको आप मनी की टर्म्स में काउंट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू हंड्रेड चेयर आपको कोई बोल दे लेकिन आपको टू हंड्रेड चेयर का प्राइस तो पता ही नहीं है तो आप उनको कैसे मनी की टर्म में काउंट करोगे लेकिन अगर वही आपको टू हंड्रेड चेयर पर चेयर फाइव हंड्रेड रुपीज़ अगर बोल दें तो आप उसको मल्टीप्लाई करके टेन थाउजेंड रुपीज़ निकाल सकते हो और आप चेयर का प्राइस लिख सकते हो कि टेन थाउजेंड रुपीज़ की हमने चेयर परचेज़ की तो आपको वही आइटम्स लेने हैं जिनको आप मनी की टर्म्स में काउंट कर सकते हो उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाई क्या होता है कि आपको सारे ट्रांजेक्शन जो आपने कर लिए उनको सबको सेपरेट सेपरेट रखना है आपको जो सेम नेचर के हैं उनको सेम प्लेस पे रखना है मतलब आपको हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट बनाना है और ये जो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं लेजर फॉर एग्जाम्पल आप परचेज़ के लिए आप अलग से अकाउंट बना दोगे परचेज अकाउंट सेल के लिए अलग से सेल अकाउंट अगर आपकी वेजेस पे कर रहे हो तो वेजेस के लिए अलग से वेजेस अकाउंट सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी के लिए अलग से सैलरी अकाउंट तो इस तरीके से आपको सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना है और उनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स आएंगे वो उन्हीं अकाउंट्स में आप डालोगे उसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है समराइजिंग फिर आपको आपने जो सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना लिए उन सबको समराइज करना होता है समराइज मीन्स उनको एक टेबल फॉर्मेट में आपको हर अकाउंट का नाम डाल के और उसका बैलेंस डालना होता है कि परचेज का टोटल हमारा इतना हुआ सेल का टोटल इतना हुआ वेजेस का टोटल इतना हुआ सैलरी का टोटल इतना हुआ तो इसे बोलते हैं हम समराइज करना और समराइज करने के अंदर जो आपका अकाउंट बनता है वो अकाउंट आपका होता है ट्रायल बैलेंस और इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मेंटेन करते हो जिनसे आपको अपने प्रॉफिट्स पता चलते हैं तो जो रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग और समराइजिंग ये एक तरह से आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है और इसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें करते हो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन होगा उसको आप जर्नल में डालोगे जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद जनरल के बाद आप लेजर बनाओगे जिसे हम बोलते हैं क्लासीफाइंग के बाद आप ट्रायल बैलेंस देन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाओगे जिन्हें हम बोलते हैं समराइजिंग ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस तक बना लिया सबसे पहले आपने जर्नल बनाया फिर आपने लेजर बनाया फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस से आप अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मेंटेन करोगे फिर आपको अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करना होता है आपको अपने बैलेंस शीट चेक करनी होती है अपने प्रॉफिट्स देखने होते हैं कि हमें प्रॉफ़िट हो रहे हैं या लॉस हो रहा है बैलेंस शीट से हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में पता चलता है लास्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग अब आपने अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लिए तो जिन जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है आप उन सब को कम्युनिकेट भी कर सकते हो और इनके यूज़र्स कौन कौन होते हैं जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए हमारा मैनेजर हो गया कंपनी का ऑनर हो गया या फिर हमारी आउटसाइडर हो गए जैसे कि कोई क्रेडिटर है या फिर हमने किसी से लोन वगैरह ले रखा है तो वो लोग हो गए बैंक हो गया मतलब जिनको भी उस कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने अकाउंट्स उनको दिखा सकते हो और ये अकाउंटिंग आपकी कम्युनिकेटिंग में भी हेल्प करती है एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी नीड अकाउंटिंग कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका आप सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड रख सको इसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है सेकंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो ये जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है थर्ड पॉइंट इज टू असरटेन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस मैंने अभी आपको बताया था कि बैलेंस शीट से हम हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता लगाते हैं तो अकाउंटिंग हमारी किस में हेल्प करती है अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में जानने में देन फोर्थ पॉइंट इज टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर अब देखो अगर आप हर ईयर में अकाउंटिंग का सेम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते चलोगे अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते रहोगे अपने बिज़नेस की कंडीशन देखते रहोगे तो आप साल दर साल आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है या फिर आपका बिज़नेस डाउन जा रहा है आप इसके बारे में भी पता लगा सकते हो तो इसके लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है उसके बाद फिफ्थ आपका अपॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स अगर आप सारे ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखोगे प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो किसी भी तरीके की मिस्टेक्स एंड फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज कि जो भी हमारी पार्टीज़ होती हैं जिनको हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है या जो भी हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी हम इजीली अपने बिजनेस की कंडीशन दिखा सकते हैं हमारी बैलेंस शीट के जरिए तो स्टूडेंट अभी हमने अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है इसके कैरेटिस्टिक्स क्या हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे अगर आपको अभी तक के किसी भी टॉपिक में कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू